वज़ीरे आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। और स्पीकर सिंध असेंबली का ओहदा आगा सराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हमारा नौजवान अवेश शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। और मैं एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा, एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार होगा, मगर इस बार इंशाल्लाह ताला हमें अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। सैयद मुराद अली शाह टियों भेरों सिंध जी वज़ारत लाइ नामज़द थी वियो। अवेश शाह सिंध असेंबली जो स्पीकर, एंथोनी नवीद सिंध असेंबली जो डिप्टी स्पीकर हूँ, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामानी इजलास बाद चुनी उहिदनि के नालन जो ऐलान कर छो। सदस्य वणा है तवाम कामयाब कराया है, हाँ कम करो है। कराची का कठपोर तीन पीण और जरई पानी जो मसलो तरजीह हों, करप्शन के रोकने लाइ सख्ती करनी पवी। बोधवार मुतासर इलाक में घर ठाया वा, वफाकी काबीना में शामिल रखण जो बीहर ऐलान। जै वफाक में पीपल्स पार्टी न का वजारत घुरी है और नई वरी वफाकी काबीना जो हिस्सों हुई। असा रुगो बोध मुतासर जो हक घुरो है। पाकिस्तान जो 15 साल ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे बाबत वो फैसलो। काबीना की तवानाई कमेटी ईरानी बॉर्डर का गवादर तीन 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी छी। मनसूबे तहत 15 अरब रुपये की लागत पी वी। एलएनजी के मुकाबले में ईरान में 750 बिलियन क्यूबिक फुट गैस इंतहाई सस्ती मिलने से गड हर साल पाकिस्तान के सालानो 5 अरब डॉलर का बजट। इंसाफ की आलमी अदालत में पाकिस्तान फलस्तीनी इलाक में इसराइली फौजी नेकाली जो मुतालबो कर छो। इसराइली कब्जे खिलाफ आलमी अदालत में केस की बुधरी। इसराइल फलस्तीन से गैर कानूनी कब्जो किया है, पाकिस्तान बरियासती हल जो हामी है। फलस्तीन की तारीखी सुणप फौरी तौर से बहाल की वे। पाकिस्तान के निगरान कानून वे वफाकी वजीर अहमद इरफान ज इंसाफ की आलमी अदालत में दलील चवे तो इसराइल मुनज़म तरीके से फलस्तीन की नसलकुशी कर रो है। पाकिस्तान फलस्तीन के मसले के हर फोरम से उभारो है। पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन के हकन जो दिफा कर। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारा लाड़काने की सीट रखने NA 196 कंबर शहजादपुर की सीट छड़ने जो फैसलो। बिलावल कौमी असेंबली के NA 196 कंबर शहजादपुर की सीट छड़े दी। NA 194 लाड़काने की सीट पान वट रख। इलेक्शन कमीशन जो इजलास बिना नतीजे खत्म थो। सुनी इतिहाद काउंसिल के मखसूस सीटू दियण जो फैसलो न थी सको। सुनी इतिहाद काउंसिल के मखसूस सीटू दियण बाबत कानूनी राय रखी वी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास बिना नतीजे खत्म। पंजाब असेंबली के नवन चूडल मेंबर हलफ खी वरतो। नून लीग और सुनी इतिहाद काउंसिल के मेंबर्स में सख्त जुमलन की देवर और हंगामे बाद थोड़ी देर लाय मुलतवी कल इजलास बीहर शुरू थो। नून लीग तरफा वन वजारत के नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज समेत 201 चूडियल मेंबर के हलफ खणाया वो। सेक्रेटरी असेंबली 14 रुकनी पैनल ऑफ चेयर जो ऐलान कर छो। पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मूजिब सुबह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चूड थी। पीटीआई के बानी आईएमएफ के खत लिखण की तस्दीक कर छी। अडियाला जेल में साफ सिरसा गैर रस्मी गाल्ह बोल में पीटीआई बानी जो चवण हो तो आईएमएफ के खत लिखी छो है अज जरूर रो हों। बैरिस्टर गौर चो है तो मुल्की मफाद मयूसत खिलाफ को कम न कंदी। आईएमएफ के लिखल खत को मालो रखी। असो को भी कदम रियासत मईशत अवाम जमूरत खिलाफ न हों। असा अग भी हो तो साफ शिफाफ चूडू न थूं तो मईशत के नुकसान थो। असा सा भी पावर शेयरिंग जो फार्मूलो तय किया वे। एमसीएम जो नवाज लीग का मुतालबो। एमसीएम वफद लाहौर में नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात कई। अगवाण असा वट भी 17 MNAs हुकूमत में कुछ तो हिस्सों मिलन घुर्जे और वाजे बुधा वे तो हुकूमत में असानी पोजिशन है। मुलाकात में को भी फैसलो न।
सिंध ए बलोचिस्तान में गडियल तौर से औरतों की 18 सीटों का नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में कौमी असेंबली की 4 सीटों, बलोचिस्तान में नून लीग के पीपीआई जयूएफ की 1 सीट डी वही। सिंध में कौमी असेंबली की औरतों की 14 सीटों का नोटिफिकेशन जारी। सिंध में कौमी असेंबली की औरतों जो 10 सीटों पीपल्स पार्टी के हिस्से में आयु। सिंध में कौमी असेंबली की औरतों जो 4 मखसूस सीटों एमकेएम के बन। सुनीता दौसल पंजाब असेंबली के स्पीकर ए डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को ऐलान कर छो। आमिर डोगर के चवण है अहमद खान स्पीकर मुइन रियाज कुरैशी डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार हूं। उन सदन वजीर आला के उम्मीदवार मियां आसिम इकबाल के गिरफ्तार किया गया है। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सुप्रीम कोर्ट जो जज बनाने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज साजी सदारत हेठ जुडिशल कमीशन जो इजलास। जुडिशल कमीशन जस्टिस शहजाद अहमद मलिक के लाहौर हाईकोर्ट जो चीफ जस्टिस बनाने की भी मंजूरी दी छी। जुडिशल कमीशन बिन्हीं नालन की मंजूरी दींदे मामलो पार्लिमानी कमेटी को माने छो। कांगड़ में जो गोठ खादिम हुसैन जरदारी भरसा सगावती तकरार सा बस सगा भायर कतल। जवाबदार की फायरिंग में पुलिस अहलकार गुलाम शबीर ही मुराद अली जरदारी मार दी गया। मकतूल के वारसन जो चवण है टालपुर बिरादरी के हथियारबंदन हमलों कर बिन्हीं के कतल किया है। नौजवान शहजाद टालपुर जरदारी बिरादरी की नारी से पसंद जो पढ़ो किया हो जैंता जुल्फकार टालपुर के कतल किया वो हो। वीडीए के एहतजाज कर बदरा अवामी मैंडेट कबूल कर घुर्जे। जमात इस्लामी रुगो एहतजाज करनी जाने थी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब है इंदड़ 3 साल तई कराची शहर जो रोशनी बहाल की वेंदू अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई वेंदी। लावल भुट्टो सरकारी की नई सोच तहत कराची के खूबसूरत बनाया वो कुछ दिन में जियालो सिंह जो वो वजीर हों। मेयर जियालो अवा अगर मौजूद है। मुर्तजा वहाब डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद से गड याकताबाद में सैवरेज सिस्टम की बहाली वाले मनसूबे की पीड़ जो पत्थर रखो। रानीपुर की पीरानी हवेली में तशद्दुद बाद बेदर्दी से कतल थल निगरी। फातिमा परड़ो कतल केस में जवाबदार के फर्दे जुर्म लागू नहीं सकी। केस की बुधनी ब बार से मुलतवी। पुलिस जवाबदार पीर असद शाह फयाज शाह बीबी हिना शाह इम्तियाज मिरासी के दहशतगर्दी टोड़ अदालत कार्यक्रम में पेश किया। वकील मौजूद दहशतगर्दी टोड़ अदालत अगूणे एसएचओ अमीर चांद जो नालो केस में शामिल करने का हुक्म दिनों हो। सिंध हाईकोर्ट पारा डिनल स्टे ऑर्डर सबब जवाबदार फर्दे जुर्म लागू नहीं सको। कराची के हॉक्स में मुशरफ कॉलोनी फुटबॉल चौक वट नाले में बल्दाशा लाशन के सीपा एम्बुलेंस जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया वो। सीपा जरिए मौजूद लाशन की सुणप यूनिस बलद इकबाल एक अणजातल शख्स है जिनकी उम्र 32 साल है।